अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? मुझे काइंडली आवाज़ और इसका क्लियर करके बता दें ताकि फिर हम इसको स्टार्ट करें। मुझे आवाज़ और स्क्रीन का क्लियर कर दें फिर हम इसको स्टार्ट करें। मैं मैसेज कर लूं बच्चों को कि स्टार्ट हो गई है, फिर मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूं और अब हम क्या करेंगे, हम इस पेपर को क्लियर करने की तरफ जो है वो चलेंगे। ठीक है, आवाज, स्क्रीन और कैमरे के बारे में मुझे बता दें, फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और हमने अब अपना ये टारगेट जो है वो अचीव भी करने हैं। ठीक है, चले जी, आवाज, स्क्रीन और कैमरा सब तो क्लियर है? ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आई जस्ट रियली वांट टू नो कि आप लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं एज ऑन योर प्रिपरेशन, कि कहाँ पे आपकी प्रिपरेशंस जो हैं वो स्टैंड कर रही हैं ताकि हम फर्दर इसको लेके चल सके और मैं फर्दर आपको जो है वो गाइड कर सकूं। अब आप क्योंकि ये मैंने इस मोड पे आई हूँ, यहाँ वन वे कम्युनिकेशन है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता और हम फोकस होकर चलेंगे। और मैं आपको पूरा प्लान हर एक चीज जो है वो समझाता हूँ कैसे है, किस तरह से है, हम लेके चलेंगे। और 1 फरवरी है और फर्स्ट यकम का चांद अगर आपको आ गया और अब आप लोगों के काम पे जो है टांगा शुरू हो गई होंगी और एज ऑफ नाउ आर उनका पेपर जो है वो मुश्किल भी लग रहा होगा। ऐसे है
लाइक इफ आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स के जी प्रैक्टिस नहीं है, लेक्चर्स नहीं है, पेंडिंग कुछ समझ नहीं आ रहा, डर लग रहा है, तो जरा मुझे बताएंगे कि आप लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पे स्टैंड नहीं कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, सो वी कैन टेक लाइक मुझे थोड़ा सा हो आगे हम लेके चले. आप सबके लेक्चर्स वगैरह तो कंप्लीट हैं? लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस, एनपीओ के लेक्चर रहते हैं, लैक ऑफ प्रैक्टिस, 20 डिफरेंट लेक्चर आर पेंडिंग, ऑलमोस्ट वहाँ पे पास लेवल पेंडिंग. ओके ओके, रिफ्रेश करने की जरूरत है, ठीक है, ओके, रिविजन्स में प्रॉब्लम है और एसओसीआई में प्रॉब्लम है, फर्स्ट 10 डे लेक्चर में प्रॉब्लम है और कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन नहीं है, लेक्चर्स कंप्लीट है, इनमें मसला आ रहा है, एनपीओ पेंडिंग, प्रैक्टिस मतलब IS-8-7 एनपीओ प्रॉब्लम, IS-8 एनपीओ, कैश फ्लो एनपीओ, पीपीई नहीं आता, एनपीओ रेशियो में भी आता है, लेक्चर्स पेंडिंग है, प्रैक्टिस नहीं की हुई, समझ नहीं आ रही कैसे लेके चलना है. ओके ओके, ठीक है, वॉट एवर. अब पेपर चूंकि हमने पास करना है और पेपर पास करने के लिए हमें अब थोड़ी सी एफर्ट्स भी करनी पड़ेगी, और अब मैं आपको ना प्रॉपर प्लान समझाता हूँ, जरा एक दफा सुन लीजिएगा. पहली चीज, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है? द आंसर इज नो. सेकंड थिंग इज दैट कैसे होगा, क्या पास करना पॉसिबल है? द आंसर इज यस. क्या इस रिमेनिंग टाइम में और क्या सब कुछ हो सकता है? द आंसर इज यस, हो सकता है. अब देखें, मैं एज ऑफ नाउ क्योंकि फर्स्ट है, फर्स्ट से लेके एंड तक हम दो तरह के सेशंस जो हैं वो कैरी कर रहे होंगे, पेपर भी पास हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और एक इतनी हैवी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि अभी आप लोगों की जहां पे कॉन्फिडेंस है उससे बहुत ज्यादा आप लोग जो है वो बेहतर पोजिशन में पहुंच जाएंगे. अब जो हमारा सीन है, जो हमारा थोड़ा है करने वाला, वो ये है कि हम पास्ट पेपर्स भी कर रहे हैं और हम साथ रिविजन्स भी जो है वो प्लान कर रहे होंगे, ठीक है. अब देखिए, ये डेज ना मैंने आपको डिवाइड कर दी हैं कि इन इन डेज के ऊपर हमने ये करने हैं. हम डे 1 से स्टार्ट करेंगे और हम चलेंगे डे 14 तक, मतलब 25 तक हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर्स ही कर रहे होंगे. मैंने लाइक पूरे पास्ट पेपर्स देख के, स्टडी टेक्स्ट देख के, रिसेंट क्वेश्चंस देख के, हर टॉपिक के कुछ मुश्किल पास्ट पेपर्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लिए हैं, जिनको करने से आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी आपकी तैयारी हो सकती है, पूरे का पूरा चैप्टर जो है वो रिकॉल हो रहा है. अब हमारा मकसद क्या है कि हर एरिया के हमने एटलीस्ट जो है वो 4 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं, जिसमें से मैं डेली बेस के ऊपर लाइव जो है वो आपको 3 क्वेश्चन करवाया करूंगा, और एक क्वेश्चन जो है वो आपको एज अ होम असाइनमेंट, एज ए होमवर्क के तौर पर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि 3 आप मेरे साथ कर लें, एक आप खुद से कर लें, तो आगे प्रैक्टिस हो जाएगी. बताएं जरा. अब हर एरिया के सवाल जो है वो गिवन है कि आज हमने जो करना है ईपीएस से करने हैं, 40-20 में जो करना है हमने, 23 का हमने करना है, मतलब 4 फेब तक हम थोड़े से पास्ट पेपर्स करेंगे, उसके बाद फिर हम ब्रेक ले लेंगे, और वो ब्रेक में मैं आपको एक अलग सेशंस में लेके जाऊंगा जहाँ पे हम पूरा FAR-1 जो है वो क्या कर रहे होंगे, उसको रिकॉल कर रहे होंगे. उसके बाद वो एक सारा R1 को रिवाइज करने के बाद हम दोबारा पास्ट पेपर्स में आएंगे, हम फिर रिज्यूम करेंगे IS-16 से, जो जो क्वेश्चन करवाने हैं मैंने,
जैसे गुनू कैच, टिसुकी हो गया, ट्राउट हो गया, स्पटनिंग सी हो गया, उसके अलावा मिक्स क्रिस्टन क्योंकि बहुत मसला आता है, दिश्तगील हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, हड़प्पा हो गया, रेशो एनालिसिस हो गया, तो ये करते कराते 18 फेब तक हम करेंगे पास्ट पेपर्स टिका के, क्योंकि इस अटेम्प्ट में लाइक देर आर पॉसिबल चांसेस कि एनपीओ का सवाल लाजमी आए, तो एनपीओ के हम कोई अराउंड 6 के करीब सवाल करेंगे और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है उसके ज्यादा क्वेश्चंस हम करेंगे ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है वो बहाल हो जाए। उसके बाद 19 फेब को हम पूरे FA1 के MCQs जितने स्टडी टेक्स्ट के हैं वो परफॉर्म करेंगे और 20 फेब को ऑटम 23 और स्प्रिंग 23 का कंप्लीट पास्ट पेपर जो है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं गालिबन हम 14 डेज की मैराथन जो है वो रन कर रहे हैं, इसमें अराउंड 48 प्लस क्वेश्चंस करेंगे, 3 क्वेश्चंस मैं आपको रोज लाइव करवाया करूंगा, 1 क्वेश्चन जो है वो आपको एज अ होम असाइनमेंट दिया जा रहा होगा। आप लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो हमने बता दिया है, ये ग्रुप है, इस ग्रुप में रहकर हम जरा क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस आउट कर रहे हैं कि ये ग्रुप है इसमें सब कुछ जो है वो हम क्या करेंगे लेके चल रहे होंगे। मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसकी पीडीएफ जो है वो भी ग्रुप में अवेलेबल कर दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की पीडीएफ जो है वो भी क्या कर दी जाएगी उस ग्रुप में अवेलेबल कर दी जाएगी। तो दिस इज व्हाट आई कैन डू जो आपके लिए है, अगर आप इफ यू रियली वॉन्ट टू क्लियर दैट पेपर तो ये सब कुछ जो है आपको मेरे साथ करना चाहिए। तो ये स्केड्यूल आप सबके पास मौजूद है, आप कहते हैं नहीं टाइम वेस्ट होता है हमने खुद प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए भी सबसे आसान तरीका यही है कि ये क्वेश्चंस जो हैं जो आपको मेंशन कर दिए हैं बता दिए हैं यही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर दें, आपका पूरे का पूरा जो है लाइक R1 की रिवीजन एंड सफिशिएंट मोर देन सफिशिएंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो हो जाएंगे। आप खुद सोच लें अगर आप खुद करना चाहते हैं आप खुद कर लें, अगर आप मेरे साथ रहते हैं तो अगले 14 डेज में इतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपको करवा देने हैं, बिकॉज आई जस्ट केम टू नो प्रॉब्लम्स हैं, सवाल कर करके थक जाते हैं, समझ नहीं आती, अब कॉन्फिडेंस जो है वो गैदर नहीं हो पा रहा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है जो मैं रोज फेस कर रहा होता हूँ तो ये क्या करना है वो कैसे होगा, तो ये हम सारा कुछ जो है वो हम कर रहे होंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके साथ क्योंकि मैं इसको क्यों इतना श्योर हूँ, इतना मैं कॉन्फिडेंट क्यों हूँ कि अगर आप वाकई चाहते हैं आपका पेपर पास हो सकता है, बिकॉज इसके साथ फिर आपको FA1 की कंप्लीट जो है वो रिवीजन भी प्रोवाइड की जाएगी और वो रिवीजन हमारी इस तरह से होगी कि हम 5 दिन मतलब जिन 5 दिन में मैं क्लास नहीं करवा रहा, मैं आप लोगों को पास्ट पेपर्स नहीं करवा रहा, देखिए ये हमारे पास पास्ट पेपर्स हैं, मैंने यहाँ पे आपके पास 5 फेब से लेके 10 फेब तक का ब्रेक लिया है, उन 5 फेब से लेके 10 फेब तक जो है मैं आपको पास्ट पेपर नहीं करवाऊंगा, बल्कि मैं थोड़ी सी आपकी पेस बना के थोड़ा सा आपका जो है एक माइंड जो है मैच करके थॉट प्रोसेस को अपने साथ सिंक्रोनाइज करके फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं आपको ये स्केड्यूल के मुताबिक क्या कर रहा हूँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझे बताएं।
ये हमारा प्लान होगा FA1 के रिविजन्स का, जिसमें हम लेके चलेंगे क्या है, कैसे है, किस तरह से है, चल रहे होंगे। अब इसमें कुछ आपको होगी हैरानी कि इसमें एक आधा टॉपिक जो है वो मैंने मिस किया हुआ है। तो वो जो एक आधा टॉपिक मैंने मिस किया हुआ है, प्रैक्टिकली वो टॉपिक जो है वो मैं इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल करवा दूंगा। तो ये हम कंप्लीट रिविजन्स जो है कर लेंगे, उसके बाद फिर जो है वो हम क्या करेंगे, पास्ट पेपर की तरफ मूव हो जाएंगे। तो पास्ट पेपर्स रिविजन, फिर पास्ट पेपर्स के ऊपर हम मूव कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ ये क्योंकि 5 दिन की रिविजन्स हैं, तो मैं आपके साथ जितने टॉपिक हैं इनके टेस्ट विद सॉल्यूशन जो है वो भी अवेलेबल कर दूंगा, ताकि आप अपनी सेल्फ असेसमेंट जो है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ ये बात कहूंगा कि एज ऑफ नाउ अभी तो आप मेरे साथ पास्ट पेपर करें, जो मैं कहूंगा वो आप लोगों ने करने हैं। जब इन डेज में आएंगे ना हम, 5 फेब से लेके 10 फेब वाले डेज में, इनमें आप लोगों की अगर कोई पेंडिंग लेक्चर कुछ भी है छोड़ दीजिएगा, इसमें आपने जो है फुल टाइम जान मारनी है। ये सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ करेगा और 1:50 और 2 o'clock जो है वो खत्म हुआ करेगा, जिसमें हम पूरी R1 जो है वो रिवाइज करेंगे, जिसमें से 90% टॉपिक जो है वो मैं लाइव रिवाइज करवाऊंगा और एक आधे की मैं रिकॉर्डिंग अवेलेबल करूंगा। और ये रिविजन इन दैट परस्पेक्टिव होगी, समराइज वे में रिविजन होगी, फॉर्मेट सारे सिखा दूंगा आपको। और प्रैक्टिस क्योंकि मैं साथ नहीं करवा पाऊंगा, वो मेरे लिए टाइम कंस्ट्रेंट है, तो प्रैक्टिस के लिए फिर हमने ये सेशन रखे हुए हैं, ताकि आप लोगों को कि मैंने साथ साथ प्रैक्टिस भी करवा दी है, मैंने साथ साथ पूरा आपको रिवाइज भी करवा दिया है। तो प्रैक्टिस प्लस रिविजन दोनों चीजें जो है वो हम क्या कर रहे होंगे यहाँ पर मेक कर रहे होंगे, और मेक श्योर कर रहे होंगे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, रिविजन भी हो जाए, आपको इनकी समरीज, आपको इनके माइंड मैप्स जो है, स्टैंडर्ड्स के फॉर्मेट्स हैं, कैसे प्लेस करना है, कैसे नहीं करना, सब कुछ जो है वो मैं सिखा दूंगा। आपसे मुझे बस एक कमिटमेंट चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी। देर इज नो कॉस्ट ऑफ एनीथिंग, देर इज नो कॉस्ट ऑफ लाइक, आपको ये रिविजन अटेंड करने की कोई कॉस्ट नहीं है, पास्ट पेपर करने की कोई कॉस्ट नहीं है, होमवर्क करने की कोई कॉस्ट नहीं है, मेरे से सवाल पूछने की कोई कॉस्ट नहीं है, जो टेस्ट आपको दिए जाएंगे विद सोल्यूशन उनकी भी कोई कॉस्ट नहीं है। तो देर इज एब्सोल्यूटली ईच एंड एवरीथिंग फ्री। तो ये आप लोगों ने जो है वो करना है। अगर आप रियली, इफ यू रियली वॉन्ट टू क्लियर दैट पेपर, इफ यू रियली आर वरीड एंड सीरियस, तो ये एक हम आपके लिए कर सकते हैं, या पर्सनली मैं कर सकता हूँ, एक प्रॉपर एक कंपेन है, एक प्रॉपर मिलना सा जाके बैठ गए, भाई आ जाओ बैठ जाओ, कर लो जो चीज होती है, कर लो पेपर अपना पास करो। तो दिस इज वट आई कैन डू। अब इसमें लाइक देर इज नॉट एन एक्स्ट्रा कॉस्ट फ्रॉम यू, अ जस्ट सिंसियर एफर्ट, आई जस्ट आई रियली वॉन्ट टू मेक श्योर कि आप सारे के सारे बच्चे जो हैं वो क्लियर हों। हाँ, जो शाम वाली क्लास होती है R1 की, वो तो एज पैरेलल चलती रहेगी, वो बंद नहीं होगी, वो बिल्कुल चल रही है। आपने अगर देखा हो तो ये सारी टाइमिंग मॉर्निंग में है, इसका उसके साथ ताल्लुक नहीं है, वो बिल्कुल सेपरेट चल रही है। तो ये हमारा सारा R1 के मुताबिक प्लान है, जो एक जिन पेपर है, जो बड़ा पेपर समझा जाता है उसके मुताबिक। तो 48 क्वेश्चंस, 5 डेज में कंप्लीट रिविजन्स, माइंड मैप्स, समरीज, हर चीज जो है वो मैं आपको यहाँ पर अवेलेबल कर दूंगा, हर चीज जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मुझे बदले में सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो है आपका पेपर पास, आपकी कमिटमेंट, आपकी कंसिस्टेंसी, ये मुझे चाहिए। इसके अलावा और मुझे लाइक एज सच कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। मेरी शदीर ख्वाहिश है कि ये जितने कोई 800-900 बच्चे हैं हमारे ग्रुप में, अराउंड 900 बच्चे हो गए हैं, ये 900 के 900 बच्चों का मुझे पेपर जो है वो हर हालत में पास चाहिए। ठीक है, अब आपके कोई सवाल वगैरह है बताएं, 5 मिनट है मेरे पास, उसके बाद मैं अपना फर्स्ट डे का टॉपिक जो है उसके ऊपर मूव करूंगा, और डैट इज हमारा SOCIE। तो समझ लग गई थीम क्या है, पास्ट पेपर्स, रिविजन्स, फिर पास्ट पेपर, और अलोंग विद डैट आपको हर टॉपिक के टेस्ट जो है वो मिलते जाएंगे। अगर आप एक ग्रुप में मौजूद हैं, उस ग्रुप में आपने देखा होगा कि आपके ग्रुप में डिस्क्रिप्शन लिंक भी लग गया हुआ है, और उस डिस्क्रिप्शन लिंक में हम हर चीज जो है वो अवेलेबल करते रहेंगे, हर चीज वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। आपने बस क्या करना है, अपना पेपर जो है उसको बस पास करना है। ठीक है, पांच पेपर्स करते हुए मैं काफी कुछ जो है आपको टिप्स एंड टेक्निक्स जो है बताता जाऊंगा।
आप लोगों ने वो टिप्स एंड टेक्निक्स जो है फॉलो करनी है, आपके पास एक बुक होना चाहिए, आपके पास जो है सारा कुछ मौजूद होना चाहिए, लिखना है आपने और सॉल्व मेरे साथ साथ करने हैं, और इसी चीज को आपने क्या करना है वहां पर कैरी भी करना है कि यार ये ऐसे हम लेकर चल रहे हैं। थोड़ी सी सिंसियरिटी लेके आए, थोड़ा सा आपने अपने आप सीरियसनेस लेके आनी है, बाकी आपका पेपर जो है इनशाला ये वाला R1 का पास हो जाएगा। 1 से 2 दिन अपने आप को सॉर्ट करने में लगा लें। आप ये अगले 20 स्टेप तक मेरे साथ जुड़े, हर एक चीज पेंडिंग लेक्चर है छोड़ दें, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इशू है, एक अपना माइंड फोकस करके बैठे, हम क्या करेंगे हम इसको लेकर कर लेंगे। ठीक है? हाँ जी, मैं रिस्पोंड नहीं कर रहा बिकॉज ऑन एवरेज मैं एक दिन में 700 मैसेजेस का रिस्पोंड कर रहा हूँ। अब जो अननोन नंबर है जिनके नंबर मैंने सेव नहीं किए हुए, मैंने रिस्पोंड नहीं कर पाता। पहले मैं ग्रुप में रिप्लाई करता हूँ, फिर जिनके सेफ कॉन्टेक्ट्स होते हैं वहां जाता हूँ, फिर जिनके अनसेफ कॉन्टेक्ट्स होते हैं वहां पर रिप्लाई करने जाता हूँ, फिर दिन खत्म हो जाता है। तो रेदर देन मुझे मैसेज कहते हैं मैं आपके नंबर सेव कर लूँ, मुझे पता हो कौन है कौन नहीं है, ताकि मुझे पता है कि यार इसको मैंने इस टाइम पर रिस्पॉन्ड करना है। तो डेट इज मेरी भी एक ह्यूमन लिमिटेशन है रिस्पॉन्ड आउट करने की, जो लाइक क्लासेस के बाद सुबह 9 बजे पहली क्लास शुरू होती है, आखिरी क्लास 9:30 बजे खत्म होती है, उसके बाद मैं व्हाट्सएप की दुनिया में घुसता हूँ और 3-4 मुझे ऑन एवरेज बच जाते हैं रिप्लाई कर करके। तो अगर किसी का मैसेज का रिप्लाई नहीं हो रहा, तो अगर वो अननोन है तो मुझे अपना वो बता दे, मैं सब कॉन्टेक्ट सेव कर लूँ, ताकि उसको फिर मैं, अगर मुझे पता है कि ये स्टूडेंट है, तो मैं उसको टाइम पर रिस्पॉन्ड आउट कर सकता हूँ। और कोई सवाल है तो मुझे बता दें, हम स्टार्ट करें, इनिशिएट करें। अगर लेक्चर्स कंप्लीट है, ये पास पेपर कर लें, टेस्ट दे दें, आपके लिए इनफ है। प्रैक्टिस के लिए जितने आपको पास पेपर कह दिए इनफ है, ये इतने 48 सवाल या 50 सवाल ना आप खुद प्रैक्टिस करना चाहें, आप अगले पूरे महीने में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप सॉर्ट ही नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस करने बैठेंगे, सोल्यूशन देख देख के प्रैक्टिस करेंगे, वो प्रैक्टिस कंसिडर नहीं होती। रिविजन्स तो मैं सबको कहूंगा कि सबको अटेंड करनी चाहिए, चाहे आपके सवाल लेक्चर कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट, आप सबको रिविजन जो है वो लेनी चाहिए, ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर रिकॉल हो जाए कि यार ये चीज ऐसे ऐसे हो रही है। और रिविजन में मैंने आपको रीडिंग तो नहीं करवानी ना, प्लेन टेक्स्ट तो नहीं कराना मैंने, मैंने तो आपको समराइज वे में लेके चलना है, आपको माइंड मैप, आपको समरी शीट बतानी है कि ये प्रोसेस है, ये कोई इस जैसे IAS 33 के ये बस 8 बातें याद करनी है, इस फॉर्मेट में बातें प्लेस करनी है, आपका सवाल जो है वो होता जाएगा। तो रिवीजन जो है वो हमने इस पर्सपेक्टिव पर लेके चलनी है, तो पूरा हमने रिकॉल करना है। ठीक है, आई गेस आई हैव आंसर्ड ऑल क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, लग रहा है पेपर पास हो जाएगा, देखते हैं। मैं एट द एंड जो है वो आपसे पूछूंगा, रिकॉर्डिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया था, रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। अपना पहला सवाल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी था। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, रिमेंबर याद रखिएगा, हमारे पास जो एरिया है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी प्लस ईपीएस प्लस हमारे पास आता है IAS 8। इन दोनों, इन तीनों को कंबाइन करके क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाने के चांसेस जो है वो क्या होते हैं, वो ज्यादा होते हैं। लाइक इन तीनों को कंबाइन करके पूछे जाने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से। क्वेश्चन जो है इस अटेम्प्ट में यहाँ पे कंफर्म आना है, इसको जरा हम देखेंगे क्या है कैसे नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कुछ बातें जो है वो आपने याद रखनी है। नंबर 1, एक आपने बात हमेशा याद रखनी है अबाउट फाइनल डिविडेंड, के फाइनल डिविडेंड जो है उसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा। रिमेम्बर, अगर 2023 का फाइनल डिविडेंड है, इसका ट्रीटमेंट हम कहाँ पे कर रहे होंगे, 2024 की इक्विटी में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। जो इंटरिम डिविडेंड होगा, इंटरिम डिविडेंड अगर 2023 का है, तो उसका इफेक्ट जो है वो 2023 की ही इक्विटी में आ रहा होगा। नंबर 2, इस जब भी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में हम कर रहे होंगे, इसमें डेट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने डेट्स के परस्पेक्टिव पर सवाल को लेके चलना है, देखना है कौन सा क्या है, कैसे है, किस तरह से है, एक आपने डेट्स के परस्पेक्टिव लेके चलना है। नंबर 3, एक याद रखिएगा हमेशा,
कि डिविडेंड जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो डिविडेंड हमेशा हम शेयर कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे? जो भी शेयर कैपिटल होगा, जो भी मेरे पास अवेलेबल शेयर कैपिटल होगा, उसके ऊपर ही हमेशा क्या किया जाता है, डिविडेंड जो है वो कैलकुलेट किया जा रहा होता है। अब इसमें जो है हमने एक चीज जो है वो याद रखनी है, यहाँ पे एक रिलेशन जो है वो आपने याद रखना है, शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू या पार वैल्यू, आपके पास क्या आएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे। ये एक रिलेशन जो है आपने ध्यान रखना है कि आपको, अगर आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है और फेस वैल्यू गिवन है, आप शेयर कैपिटल निकाल सकते हैं। शेयर कैपिटल और फेस वैल्यू गिवन है तो आप नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो निकाल सकते हैं। ये तीन बातें जो है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम सवाल शुरू करते हैं, हम पहला सवाल करते हैं डेट इज डैफोडिल्स लिमिटेड, इसको देखते हैं। रिक्वायरमेंट है इसकी कि प्रिपेयर, रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर डीएल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। अक्सर मैं पूछता हूँ कि जी हम सवाल रीड करते हैं तो सवाल रीड नहीं होता, आप रीड करते हैं हमें समझ आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए मैं रीड कैसे कर रहा हूँ, मैं हाईलाइट कैसे कर रहा हूँ, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपने भी इसको क्या करना है, रीड आउट करना है, ऐसे ही पेपर पे हाईलाइट करना है आपने, अलोंग विद कंपैरेटिव फिगर भी बनानी है। अब जहां पे भी कंपैरेटिव का वर्ड आ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि 2017 की भी बनाएंगे और जो इमीडिएट लास्ट ईयर 2016 है इसका भी बनाएंगे। और इसने खुद कह दिया है कि टोटल कॉलम रिक्वायर नहीं है, अगर टोटल कॉलम रिक्वायर नहीं है तो ठीक है, अगर वो ना कहता तो मैं टोटल कॉलम भी बना रहा होता। कहता है जी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, डेफोडिल्स हैज एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, या उसने इंफॉर्मेशन जो है एक्सट्रैक्ट की है। ये उसके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 15 की, ये 16 की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और 17 की ड्राफ्ट है। ऑडिट का मतलब है ये फाइनल हो चुकी हुई है, ड्राफ्ट जो है वो इन प्रोसेस है और वैल्यूज उसने हमें गिवन किया इन मिलियन में। नेट प्रॉफिट गिवन किया है 650318418, ओके। ट्रांसफर टू यूनियन रिजर्व गिवन किया है, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन उसने हमें गिवन किया है, और उसने हमें फाइनल कैश डिविडेंड गिवन किया है। आप देखिए ये फाइनल कैश डिविडेंड है किसका, 2015 का। इसकी पेमेंट होगी कब जाके, 2016 में हो रही होगी। उसे कहा था एसेट व्हिच वाज रीवैल्यूड अपवर्ड इन प्रीवियस ईयर हैज बीन सोल्ड ऑन 15 अक्टूबर 2017। ये पिछले सालों में हमने एसेट रीवैल्यू किया था, उसको हमने क्या किया है, अक्टूबर 2017 में बेच दिया है। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वर्किंग भी है हम यहाँ पे कर रहे होते हैं। जब हमारा एसेट डिस्पोज हो जाए, जो भी अवेलेबल सरप्लस होता है हम उसको रीवैल्यूएशन सरप्लस से उठाकर कहाँ मूव कर देते हैं, जो रिटेन्ड अर्निंग होती है वहां पे उसको प्लेस कर देते हैं। फिर ये चीज समझनी है आपने ना, ये चीज है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में और ईपीएस में। कहता है कि 25% राइट इशू हुए हैं फर्स्ट में 2016 को 18 पर शेयर के हिसाब से। 25% जो भी टोटल शेयर से उसका क्या किया है आपने, राइट इशू कर दिया है। फिर 10% बोनस इशू हुआ है फर्स्ट अप्रैल 2017 को एज अ फाइनल डिविडेंड फॉर 2016। फिर 2016 का जो फाइनल डिविडेंड था वो आपने इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर दिया है और वो 10% दिए। फिर 17 में उसने कहा है कि 50 मिलियन शेयर उसने राइट दिए हैं 17 के पे 15 के हिसाब से, और उसके बाद उसने 1 सितंबर को उसने 15% बोनस डिविडेंड दे दिया है एज अ इंटरिम डिविडेंड के तौर के ऊपर। शेयर कैपिटल और रिजर्व जो है उसने हमें गिवन किए हैं ओपनिंग, ये 15 गिवन किए हैं, तो मतलब 15 के क्लोजिंग 16 के क्या बनते हैं हमारे पास, ओपनिंग बनते हैं, और 14 के गिवन किए हैं। ऑर्डरिंग शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, रिटेन्ड अर्निंग है, और हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो मौजूद है। तो दिस इज द क्वेश्चन, हमारा एक बेसिक एक अच्छा सवाल है। इसको आपके पास 3 मिनट है, स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है, इसको रीड करके डन की रिपोर्ट कराएं, फिर मैं इसको शुरू करूँ, इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे प्रॉपरली, सुकून से तसल्ली से रीड करना है, जल्दी नहीं लगी, कोई आग नहीं लगी हुई, रीड करके बताएं, इज इट क्लियर?
आज में कोई इशू नहीं है, मैंने सवाल रीड करने के लिए दिया है, तो तसली करते रीड करने, फिर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो यू आर रीडिंग दैट क्वेश्चन, सो आई एम वेटिंग कि व्हेन एवरीवन मतलब रीड दैट क्वेश्चन, हम इसको फिर सॉल्व करेंगे। इसको स्टार्ट करना है। अब स्टार्ट करने पे क्योंकि हमने अब इसको हमने सॉल्व करना है, क्या है, कैसे है, किस तरह से है। अक्सर होता ही सवाल शुरू कहाँ से होगा, खत्म कहाँ से होगा, कुछ समझ नहीं लग रही, कुछ पता नहीं पड़ रहा होता। द थिंग इज दैट कि आपको उसने जो यहाँ पे ओपनिंग चीज गिवन की होगी या क्लोजिंग चीज गिवन की होगी, आपने उठा के इसको ही क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। मतलब फॉर्मेट बनाते हुए आपने क्या करना है, इसको ही कॉपी कर लेना है। अब देखें हमारे पास है डेफोडिल्स लिमिटेड, हम यहाँ पर लिख देंगे कि मेरे पास आ गया क्या, मेरे पास आ गया डेफोडिल लिमिटेड। उसके बाद हम क्या बना रहे हैं, इसकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कि इसके हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं। ईयर एंड क्या है वो भी लिख लेंगे, ईयर एंड है हमारे पास ये, तो आ जाएगा कि फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 जो है वो हम लेकर चल रहे होंगे। ओके, गॉट इट। अब उसके बाद जो उसने हमें यहां पर चीजें गिवन की हैं, हम उसके पर्सपेक्टिव पे क्या करेंगे, इसको लेकर चल रहे होंगे। तो
तो यहाँ पे उसने हमें गिवन किया है शेयर कैपिटल, तो कुछ लाइनों पर हम यहाँ पे ले लेंगे, ये आ जाएगा जी हमारे पास शेयर कैपिटल। उसके बाद उसने हमें गिवन किया है जनरल रिजर्व। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख रहा हूँ, आपने प्रॉपर लिखना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके लिए, जनरल रिजर्व आ जाएगा। उसने फिर गिवन किया है रिटेन अर्निंग, आपके पास क्या आ जाएगा, रिटेन अर्निंग आ जाएगा। उसने गिवन किया है आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो भी आ जाएगा। तो ये सारा कुछ जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ये सारा कुछ जो है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ये सारा कुछ डाटा था हमारा सवाल में, ये सारा कुछ जो है वो हमने यहाँ पर प्लेस कर लिया। अब उसके बाद उसने जो जो हमें बातें बताई हैं, हमने क्या करनी है वो लेके चलनी है। अब चूंकि उसने हमें बता दिया है कि हमने अलॉन्ग विद कंपैरेटिव बनाना है, हमने कंपैरेटिव बनाना है, तो कंपैरेटिव का मतलब है हम इसको स्टार्ट करेंगे एज फ्रॉम द लास्ट ईयर। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम इसको लास्ट ईयर से स्टार्ट कर रहे होंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे कंपैरेटिव में, सबसे पहले आ जाएगा 2016 का बैलेंस, उससे स्टार्ट करेंगे, फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। यहाँ आ जाएगा जी मेरे पास बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2016। देखिए जो 2015 का क्लोजिंग बैलेंस है वही मेरा क्या कहलाएगा, वही मेरा 2016 का ओपनिंग कहला रहा होगा। गॉट इट? तो उसने मुझे शेयर कैपिटल की अमाउंट गिवन की है 1600 की। अच्छा एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे लाइक बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गलती करते हैं, मार भी खाते हैं, कि करेंसी जो है वो नहीं लिखते, अमाउंट नहीं लिखते, करेंसी के बारे में नहीं बताते कि वैल्यू किसमें है, इन थाउजेंड है, इन रुपीज है, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बता रहे होते। तो ये चीज जो है वो क्या करनी है, आपने हमेशा बतानी है कि आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो आप अमाउंट गिवन कर रहे हैं, वो किसमें है। अब डाटा चूंकि आपका रुपीज इन मिलियन में है, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं आप इसको, रुपीज इन मिलियन में लेके चल रहे हैं। आप सारा कुछ जो है वो क्या करेंगे, हम इसको रुपीज इन मिलियन में काउंट कर रहे होंगे। ओके, अब उसने हमें गिवन किया है ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 1600, हम यहाँ पे लिख लेंगे 1600 जो है वो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। उसके बाद जनरल रिजर्व कितने हैं, 1850 है, मैंने वो भी लिख दिए आ रहे हैं। उसके बाद रिटेन अर्निंग है 1430, मैंने यहाँ पे भी लिख लिया आ रही है। उसके बाद सरप्लस आ रहा है मेरा 75 मिलियन का, मैंने वो भी लिख लिया। जो उसने मुझे डाटा गिवन किया वो मैंने सारे का सारा जो है वो यहाँ पे लिख दिए। अब हम सवाल पे दोबारा आते हैं और शुरू करते हैं। अब हमने डेट वाइज आना है, ऑर्डर फॉलो करना है, क्या है, कैसे है, किस तरह से है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 2015 का फाइनल डिविडेंड। अब फाइनल डिविडेंड अगर 15 में है तो इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, 15 में कि 16 में, जरा बताएं। से पहले इसी की पेमेंट होगी और इसने कितना है, उसने हमें बताया 7.5%। देखिए मैंने आपको यहाँ बताया था कि जब भी हम डिविडेंड लगाएंगे तो शेयर कैपिटल पे लग रहा होगा, तो मेरे पास शेयर कैपिटल है 1600 का, मैं 7.5% लूं, क्या जवाब आता है जरा बताएं, व्हाट विल बी द आंसर। कैलकुलेटर आप लोगों के पास होने चाहिए लाजमी, आंसर क्या आएगा, 120। तो 120 हमने डिविडेंड पे किया। अब डिविडेंड की एंट्री क्या होती है, डिविडेंड हमेशा रिटेन्ड अर्निंग से पास होता है। मैं साथ साथ आपको जनरल एंट्री लिख दे देता हूँ, डिविडेंड की एंट्री होगी कि रिटेन्ड अर्निंग जो है वो मेरी डेबिट हो जाएगी 120 से, और डिविडेंड पे एबल जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, 120 से क्रेडिट हो रहा होगा। तो हम कहाँ लेके जाएंगे डिविडेंड, यहाँ लिख देंगे जी हमारे पास आया है फाइनल डिविडेंड, वो है 2015 का, एड 7.5% लिख लिया, रिटेन अर्निंग्स में से 120 में से हमारे पास लेस हो गया, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो 2016 में सबसे पहले एडजस्टमेंट तो ये होगी। उसके बाद 2016 की एडजस्टमेंट है कि 25% राइट इश्यूज वर इशूड ऑन 1 मई 2016 एट 18 पर शेयर। अब देखिए 25% राइट इशू किए गए हैं 18 पर शेयर पे। अब बच्चे ना बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यार कैसे निकालेंगे कैसे नहीं निकालेंगे, आपने ना इसके ऊपर आके निकालना है ये फॉर्मूला, इसको याद रख लें, ये है शेयर कैपिटल, उसको फेस वैल्यू पर डिवाइड करें। अगर फेस वैल्यू हमें सवाल में पता है, यहाँ पे हमारे पास शेयर कैपिटल है 1600 मिलियन का, उसने हमें गिवन किया है, उसने कहा है कि मेरे शेयर की फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपए ईच है, 10 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा क्या, हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, कि इतने मेरे नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब
इसका जरा 25% लें, बताएं कितने शेयर्स हमने राइट इशू में किए हैं। 160 का 25% लें, क्या जवाब आता है? इसका मतलब 40 मिलियन शेयर्स, यहां पे हम 40 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं कि इतने हमने राइट इशू में किए। अब आप जरा इसकी एंट्री पास करें 40 मिलियन की, बिकॉज मैंने आपको लॉजिक पर लेके चलना है, हमने सवाल में नहीं फंसना, हमने अपने साथ प्रॉपरली लेके चलना है, वो हमें डाटा में घुमाए उससे बेहतर है हम अपने सुलों में पके रहे। अब बैंक हमेशा डेबिट होगा उस अमाउंट से जिस पे हमने इशू किए हैं, तो हमने 40 मिलियन शेयर इशू किए हैं और हमारे पास शेयर की वैल्यू क्या है, हमने 18 के हिसाब से इशू किए हैं, तो 40 × 18 क्या जवाब आएगा? बैंक 720 से डेबिट हो गया। हमें पता है शेयर कैपिटल किससे होता है क्रेडिट, हमेशा फेस वैल्यू से। 40 × 10 किया 400, ये आ गया। बाकी कहां पे गया मेरे पास शेयर प्रीमियम में 320 यहां पे आ गया। तो इस तरह से हम इसको लेकर चलेंगे। रिमेम्बर अगर पेपर में फेस वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने, कुछ भी इशू निकालने हैं, आप यहां से करें। अब आपको लग गया पता है कि यार कैपिटल में ये जा रहा है, प्रीमियम में ये जा रहा है, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम यहाँ पे तो हमने प्रीमियम बनाया नहीं है, तो हम यहाँ पे शेयर प्रीमियम बना लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं शेयर प्रीमियम और यहाँ पे लिखता हूँ मैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जो है वो मेरे थे 1850 के। अब यहाँ पे हमने किया है राइट इशू, राइट इशू हुआ है एट द रेट ऑफ 25%। तो हमें लग गया पता कि हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा 400 से। हमने यहाँ पे 400 से अपना शेयर कैपिटल जो है वो इंक्रीज कर दिया, और शेयर प्रीमियम जो है वो हमारा किससे इंक्रीज होगा, 320 से, वो भी हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लिख दिया। डन, ये भी क्लियर हो गया। और कुछ है? नहीं। आगे 17 का है, 17 का ओके। प्रॉफिट ये आएगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो चार्ज करना है, हम यहाँ पे लिख देंगे जी नेट प्रॉफिट कितना आया हमारे पास। नेट प्रॉफिट आया वो है हमारे पास 318 का। 318 का प्रॉफिट जो है वो रिटेन अर्निंग में हम चार्ज कर देंगे। फिर उसने हमें बताया था कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है 49 मिलियन की। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का मतलब है कि रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर हुआ है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का, रीवैल्यूएशन सरप्लस 49 मिलियन से हम कम करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे 49 मिलियन से। तो ये आ जाएगा मेरे पास बैलेंस, ये मेरे पास आ जाएगा, और तो कोई एंट्री नहीं है। ये आ जाएगा जी बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2016। तो 1600 प्लस 400 कितना बनेगा, 2000। बोनस आ गया मेरे पास 320 का। जरा इसको करें, 1430 माइनस 120 प्लस 318 प्लस 49 कितना बनेगा, 1677। उसके बाद सरप्लस में 75 ओपनिंग था, 49 चला गया हमारे पे, ये कितना आ गया मेरे पास, 26 का आ गया। और जनरल रिजर्व मेरे पास एज इट इज 1850 के आगे। अब ये देखें सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, 17 का बनाना, लेकिन क्योंकि कंपैरेटिव थे तो कंपैरेटिव में ओपनिंग जो है सारा मैंने रीस्टेट करके बता दिया कि भाईजान ये इस तरह से होता है। तो समझ आई अभी तक, कुछ चीज मुश्किल लगी, कुछ चीज डिफिकल्ट लगी? कोई प्रॉब्लम है? अब हम आगे चलें, अब हम आगे करते हैं, हम 2017 की एडजस्टमेंट। उसने कहा अब डेट्स, डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। 31 दिसंबर 2016 जो है एड हुआ,
अब जो है हमने कहाँ चलना है, हमने चलना है 2017 में। 2017 में सबसे पहले आ रहा है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को हम 16 का फाइनल दे रहे हैं बोनस। बोनस क्या दे रहे हैं हम? बोनस इश्यू जो है वो कर रहे हैं 2017 का। ओके, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यही ओपनिंग है, यही अगले साल क्लोजिंग है। हमारी पहली एंट्री आ जाएगी, हमारे पास ये बनेगा जी फाइनल बोनस। ये है 10% के ऊपर। मैंने अभी आपको बताया है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल है उसके ऊपर रेट लगाना है। मेरे पास एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितना था? 2000 का था। इसके ऊपर हम रेट लगाएंगे, कितना आ जाएगा बोनस? 200। अब ये बोनस शेयर्स की बात हो रही है, कैश डिविडेंड की नहीं। वो मेंशन करता है कैश डिविडेंड है कि बोनस है। जैसे यहाँ पे कैश डिविडेंड था ये जो हमने यहाँ पे किया था, बट क्योंकि यहाँ पे उसने क्लियरली बोनस की बात करी तो ये बोनस शेयर्स की बात हो रही है। अब बोनस शेयर्स इश्यू होंगे उस वैल्यू से हमारा शेयर कैपिटल जो है इंक्रीज हो जाएगा। 200 से हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया, और ये चूंकि डिविडेंड दिए गए हैं तो रिटेन अर्निंग जो है वो मेरी 200 से क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। वो हमने यहाँ पे कर ली, ये भी एंट्री होगी। अब उसने क्या, 50 मिलियन राइट शेयर्स वर इश्यूड ऑन 1 जुलाई एट 15 पर शेयर। कितने? 50 मिलियन। अब देखें इसकी भी एंट्री आप पास करने, जैसे हमने यहाँ पे की थी 50 मिलियन शेयर है, ठीक है, 50 × 15 करें, क्या जवाब आता है? 750। बैंक जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा 750 से, और शेयर कैपिटल तो हमारा हमेशा इंक्रीज होगा फेस वैल्यू से। 50 मिलियन शेयर हैं, 10 का एक शेयर था, ये कहाँ जाएगा? 500 से, और रिमेनिंग मेरा कहाँ पे जाएगा? 250 शेयर प्रीमियम पे जा रहा होगा। ये वाली एंट्री तो हमने हमेशा पास करनी है। अब यहाँ पे राइट इशू आया, हम यहाँ पे फिर राइट इशू जो है वो लिख लेते हैं कि ये मेरे पास राइट इशू है। कितना आया था? ये 500 आया था, और शेयर प्रीमियम अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट वाज 250। यहाँ पे हम लिख लेंगे 250, वो आ गया। उसके अलावा तो और कुछ नहीं था। अब थर्ड एडजस्टमेंट है ये वाली, बोनस इशू हुआ है 15% ऑन 1 सितंबर 2017 एज इंटरम डिविडेंड। अब बोनस इशू हुआ है एज अ इंटरम 15%। ओके, बोनस, और ये है इंटरम एट 15%। देखिए बोनस का शुल्क क्या है? एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल पे। अब जिस दिन बोनस इशू कर रहे हैं वो है हमारे पास यकम सितंबर। यकम सितंबर को शेयर कैपिटल कितना है मेरे पास? 2000 जमा 200 जमा 500। कितना है? 2000 जमा 200 जमा 500। मेरे पास एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितना है? 2700 का है। मैं कितना दे रहा हूं? मैं दे रहा हूं 15% एज अ बोनस। कितना आएगा? 405। तो 405 से मेरा शेयर कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख लेंगे कितना? 405। और चूंकि बोनस है ये कहाँ से निकल जाएगा? हमारा रिटेन अर्निंग में से मूव हो जाएगा। उसके बाद इसने कहा था 15 अक्टूबर को हमने एसेट बेच दिया, और उसका सरप्लस जो है वो क्या हो गया? सारे का सारा रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो गया। ये देखें एसेट डिस्पोज ऑफ की है। तो अब यहाँ पे हम ले लेंगे डेट वाइज चलते हैं, तो ट्रांसफर आ जाएगा, ट्रांसफर ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस। कितना था? 26 का अवेलेबल था, तो 26 का सरप्लस हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम कम करेंगे, और रिटेन अर्निंग में जो है वो हम ऐड कर देंगे। बिकॉज अगर एसेट हमारे पास मौजूद नहीं है तो उसका सरप्लस हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं? रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देते हैं। वो भी हो गया, और है जी इस साल का प्रॉफिट 650, वो भी हम बीच में ऐड कर देते हैं। प्रॉफिट आ गया हमारे पास इतना 650, वो भी हमने बीच में ऐड कर दिया। उसके बाद इसने कहा है कि हमने ट्रांसफर किया है जनरल रिजर्व से। ओके, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व वो है 112 की, तो 112 से मेरी रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी, और यहाँ पे जाऊंगा तो मेरे पास जनरल रिजर्व में 112 जो है वो मैं ऐड कर दूंगा। तो डैट वॉज ऑल अबाउट दिस। अब हम इसको अगर क्लोज कर दें तो
मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा दैट इज बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2017। तो ये बनेगा 2000 जमा 200 जमा 500 जमा 450, 405 ये बनेगा 3105। उसके बाद 320 और 250 क्या होगा, ये हमारे पास 320 और 250 कितना होते हैं 570, क्या रहेगा 570। अब है 1677 माइनस 200 माइनस 405, 26 ऐड करने, 650 ऐड करने, 112 लेस करना है, बताएं क्या जवाब आता है। सरप्लस हमारा खत्म हो गया, इसको भी ले आए, कितना बनेगा 1850 प्लस 112 1962, ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। तो ये बनता है जी हमारे पास, इस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होते हैं, ठीक है। ये सवाल समझ आया? That was the first question जो हमारा क्लियर होता है। क्यों भाई, कुछ क्लैरिफिकेशन हुई है? अब देखें, उसने कहा था कि जब हमने एसेट जो हमारा अपवर्ड रिवैल्यूड था, जिसका सरप्लस मौजूद था, उसको हमने बेच दिया। जब हमने उसको बेच दिया तो उसका जो सरप्लस मौजूद होगा वो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो जाता है। तो जब हमने बेचा तो उसका सरप्लस 26 का था, वो हमने रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया। बोनस रिटेन अर्निंग से लेस नहीं होता। अगर आप एज अ खाली बोनस इशू कर रहे हैं तो रिटेन अर्निंग से जाएगा। अगर एज अ बोनस भाई सारे के सारे रिटेन अर्निंग से लेस हो गए, क्या हो गया? बोनस सारे के सारे हमने रिटेन अर्निंग से लेस करवाए हैं, शेयर प्रीमियम से लेस नहीं कराए। बिकॉज अगर उसने एज अ वैसे ही बोनस दिया होता तो मैं शेयर प्रीमियम लेस करवा रहा होता, उसने एज अ डिविडेंड दिया है तो मैंने रिटेन अर्निंग से लेस करवाई। यहाँ पे भी एज अ डिविडेंड आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, रिटेन अर्निंग से लेस करवा रहा हूँ। ठीक है ये ऑल क्लियर, अगले सवाल पे चले। चलें जी, आपके पास 5 मिनट है, रीड करें, हम इसको सॉल्व कर दें। जस्ट यू हैव 5 मिनट्स, मैं बस 2 मिनट में आया।
जी जनाब, रीड कर लिया। चलें जी, अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है, कैसे है और किस तरह से है। ठीक है, कहते हैं जी, प्रिपेयर डब्ल्यू एल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंड 30 जून 2019। कॉलम फॉर टोटल एंड कंपैरेटिव फिगर आर नॉट रिक्वायर्ड। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू वेंडर्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019, उसने हमें गिवन की है। शेयर होल्डर इक्विटी, अच्छा इसने ये बड़ा अच्छा कह दिया कि हमें ना कंपैरेटिव बनाने हैं ना हमें टोटल, कुछ भी नहीं चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कहता है कि इक्विटी ओपनिंग 1 जुलाई को जो उसने हमें गिवन की है, जो है वो हम देखते हैं क्या है, कैसे है, किस तरह से है, वो हम लेके चलते हैं। शेयर कैपिटल 200 मिलियन का है, शेयर प्रीमियम 85 मिलियन का है, रिटेन अर्निंग 124 मिलियन की है, रिवैल्यूएशन सरप्लस 65 मिलियन के, इसने हमें ये ओपनिंग गिवन किया हुआ है। ओके, 30 नवंबर 2018, हमारा ईयर एंड है 30 जून, ये याद रखना आपने, ईयर एंड हमेशा याद रखना है। डब्ल्यू एल इश्यूड 30% राइट शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹120 पर शेयर। क्या किया उसने, 120 पर शेयर प्रीमियम के ऊपर ये उसने इशू कर दिए। ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कि 120 प्रीमियम का मतलब क्या है। कैश डिविडेंड एंड बोनस शेयर्स फॉर द लास्ट 2 ईयर आर एज फॉलो, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। 30 जून 2018 का इंटरिम डिविडेंड था 20%, 30 जून 2018 का फाइनल डिविडेंड है 18%, कैश है ये, कैश में है। ओके, 30 जून 2019 का बोनस डिविडेंड 10% है और फाइनल डिविडेंड जो है वो 25% है, जो इंटरिम है वो हम हाफ ईयरली अकाउंट पे क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है 95 मिलियन है, रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो 95 मिलियन, 35 मिलियन का था, और जो ट्रांसफर होगा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का वो कितना होगा हमारा, 9 मिलियन का होगा, इसने हमें ये भी बता दिया है। इज दैट क्लियर, इसको सॉल्व करें, सवाल समझ आया। अब हमारे पास है वेडनेस लिमिटेड, यहाँ आ जाएगा हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। ओके, अब उसने जो कुछ हमें गिवन किया है, शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन अर्निंग और सरप्लस, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ आ गए मेरे पास शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, हाँ रिटेन अर्निंग,
और रिवैल्यूएशन सरप्लस, उसने हमें दिए गिवन किया है रुपीज इन मिलियन में, तो हम यहाँ पे ले लेंगे रुपीज इन मिलियन में डेटा। वो ओपनिंग डेटा लिखे थे सारा कुछ बैलेंस ऑन 1st जनवरी, कितने कैपिटल 285,124,065, 285,124,065। अब हम यहां पे शुरू करेंगे, पहले आ रहा है 30 नवंबर 2018 को 30% राइट इशू किया गया है 120 के हिसाब से, लेकिन उससे पहले आएगा हमारे पास 2018 का कैश डिविडेंड जो कितना बन रहा है, 20% बन रहा है, ऐसे ही है? सॉरी, हाँ, 2018 का कैश डिविडेंड, बिकॉज 3 महीने में हमने पे करना होता है ना ये, तो जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर तक इस डिविडेंड की पेमेंट हो रही है। डेट वाइज चलेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, पिछले साल का फाइनल डिविडेंड आएगा। तो 200 हमारे पास शेयर कैपिटल था, 18% हम लगाएंगे आएगा 36 का हमें क्या करना है, डिविडेंड पे करना है, तो हम यहां पर लिख लेंगे फाइनल कैश डिविडेंड, कितने का जाएगा रिटेन्ड अर्निंग में से, 36 का जो है वो क्या हो रहा होगा, जा रहा होगा। उसके बाद है राइट इशू 30%, कितना है 30%। अब उसने कहा है 120 रुपए प्रीमियम के ऊपर, मतलब क्या है, मतलब है आपका शेयर 100 रुपए का एक है और आप उसको 120 रुपए प्रीमियम पे बेच रहे हैं, मतलब 100 की चीज उस पे 120 मुनाफा रखें, तो कितने की बिक रही है, 220 की। तो उसने हमें ये बात गिवन की है कि जो 100 रुपए का शेयर है वो हम कितने का बेच रहे हैं, वो हम 220 का बेच रहे हैं, इस प्रीमियम के साथ जो है वो सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी जरा हम एंट्री पास करते हैं, मैंने आपको राइट शेयर हो जाए, बोनस शेयर हो जाए, प्रीमियम निकालना हो, एंट्री हमने वही पास करनी है। हम लेंगे यहाँ पे पास, हमारे पास आएगा शेयर कैपिटल, इसको हम डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएंगे कि ये मेरे बनते हैं नंबर ऑफ शेयर। अब मेरे पास शेयर कैपिटल मौजूद था 200 मिलियन का, ठीक है, 200 मिलियन का मेरे पास शेयर कैपिटल है, एक शेयर जो है वो मेरे पास 100 का एक था, तो मेरे पास तकरीबन 2 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स मौजूद हैं। मैंने कितना राइट इशू किया, मैंने राइट इशू किया है 30%, तो जब बताएं कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए हैं मैंने, 0.6 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स मैंने इशू किए हैं। अब मैं इसकी जरा एंट्री पास करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास बैंक, कितने शेयर से 0.6, हमने कहा है कि हमने 120 प्रीमियम पे बेचे हैं, मतलब 100 का शेयर 120 मुनाफा किया, तो कितने का हम बेच रहे हैं, 220 का, तो कितना बैंक में जाएगा, 132 ये जाएगी बैंक में। फिर आ जाएगा मेरे पास शेयर कैपिटल 0.6, वो होता है हमेशा फेस वैल्यू से, ये आ जाएगा मेरे पास 60 मिलियन से, और बाकी मेरे पास कहाँ जाएगा, बाकी मेरे पास जाएगा प्रीमियम में, और वो कितना होगा 72 का। तो ये राइट इशू की यहाँ पे सिर्फ ये एडजस्टमेंट थी जो हमने यहाँ पे करी थी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे मेरे पास आ गया जी राइट इशू। अब राइट इशू पे 60 से मेरा शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ, 72 से मेरा शेयर प्रीमियम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है,
कि एट अ प्रीमियम ऑफ 120, मतलब 100 की चीज 120 इजाफे के बाद हम 220 की बेच रहे हैं, ये मेरा प्रीमियम है। ये अक्सर रीड करते हैं, बच्चे कहते हैं सर वो देखे 100 का शेयर है 120 का नहीं बिकरा, 100 का शेयर 120 का नहीं बिकरा, 100 का शेयर है 120 प्रीमियम पे बिक रहा है। 120 प्रीमियम का मतलब है कि मजीद 120 लेके 10 रुपए की चीज, अगर कहा जाए 10 रुपए की चीज है 25 रुपए प्रीमियम पे बेच रहे हो, तो क्या होगा हमारा, हमारा होगा कि 35 रुपए की चीज बिक रही है जो 25 रुपए मुनाफा हो रहा है। तो अगर हम कोई चीज 120 रुपए प्रीमियम पे 120 रुपए महंगी बेच रहे हैं, तो इसका मतलब ओरिजिनल 100 की थी, 120 महंगी करके हमने कितने की बेची है, हमने बेची है ये 220 की, तो ये 220 से एडजस्टमेंट होनी थी। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो बैंक में तो टोटल अमाउंट जाएगी ना, नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल अमाउंट बैंक में जाएगा 132 मिलियन, जिसमें से ये शेयर कैपिटल में और ये कहाँ जाएगा, हमारा शेयर प्रीमियम में जा रहा होगा, ठीक है। बैंक हमेशा हमारा अमाउंट से डेबिट हो रहा होता है, राइट इशू भी हो गया। अब उसके बाद है हमारे पास इंटरम, इंटरम इंटरम तो इस साल का नहीं है, इस साल का 10% बोनस है, ओके। इंटरम बोनस जो है वो हाफ ईयरली अकाउंट्स के ऊपर है, मतलब हाफ ईयर अकाउंट का मतलब होता है 6 महीने के बाद अब अकाउंट बने हैं हमारे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटरम डिविडेंड, वो भी हम ले लेते हैं यहाँ पे। ये आ गया मेरे पास जी इंटरम डिविडेंड, कितना बनता है ये 260, कितना है शेयर कैपिटल मेरे पास 260 था, रेट है 10%, बोनस है और डिविडेंड है, तो कितना आ जाएगा ये 26, 26 से मेरा शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा और रिटेन अर्निंग मेरी 26 से क्या होगी, क्रेडिट हो रही होगी। और इसमें क्या रह गया, और तो कुछ नहीं रह गया, और है हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर 95, वो हम लिख लेते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो 95 है, वो हम ऐड कर लेते हैं। फिर उसने कहा है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो 35 का हो, ओके हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस, वो कितना है हमारा 35 का है। फिर उसने ट्रांसफर भी हमें बताया है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का, वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज 9 मिलियन का, तो 9 मिलियन हम यहाँ से लेस करवाएंगे और 9 मिलियन जो है वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, और कुछ भी नहीं है, और तो कुछ भी नहीं सवाल में। यहाँ पे मेरे पास आ गया बैलेंस ऑन 30 जून 2020, 200 जमा 60 जमा 26 कितना बनेगा 286, फिर शेयर प्रीमियम है 85 जमा 72 कितना बनेगा 85 जमा 72 157, इस पे आ रहे हैं 124 माइनस 36 माइनस 26 प्लस 95 प्लस 9, 124 माइनस 36 माइनस 26 प्लस 95 प्लस 9 कितना आएगा 166, और इस पे आ जाते हैं 65 प्लस 35 माइनस 9 91, तो ये मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया, इस तरह से लेके चलने हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था जिसको सॉल्व करना था। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, उसको देखते हैं। जी जनाब, कुछ रिकॉल हो रहा है, कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अभी तक एज ऑफ नाउ क्या आपके लाइक विचार हैं? जरा आपके पास 1-14 हुए हैं, मैंने आप लोगों से तो पढ़ाने हैं, मैंने तो आप लोगों को पास कराने हैं, जरा मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, सवाल को रीड करें, मैं आपको टाइम देता हूँ एग्जैक्ट 3 मिनट का,
3 मिनट है आपके पास, ये सवाल पूरा आपने रीड करना है। थोड़ा सा और जूम आउट कर दूं, ये ले नीचे रिक्वायरमेंट है ना, ऊपर ये है, तो ये क्वेश्चन है, रफ्तार से पढ़ के बताएं। तीन मिनट है, 1:14, 1:17 पे हम इसको स्टार्ट करेंगे फिर से।
जी जनाब, ये सवाल रीड किया आपने, ये सवाल कंप्लीट है आपका। अब देखिए, ये है एस्ट्राजेनेका लिमिटेड, इसको देखते हैं क्या है और कैसे लेके चलेंगे। कहता है जी, एएल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, ये हमने करना है। कॉलम फॉर टोटल एंड कंपैरेटिव फिगर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ये हमने नहीं करना कॉलम, ठीक है ओके। उससे कहा है ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 1 जनवरी 2020 का, जो उसने हमें गिवन किया है उसको देखते हैं। कैपिटल है ओके, प्रीमियम है, रिटेन अर्निंग है, सरप्लस लैंड का भी गिवन है, बिल्डिंग का भी गिवन है ओके। प्रॉफिट एंड ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन एज पर ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 अमाउंटेड टू 45 मिलियन एंड 5 मिलियन रिस्पेक्टिवली, ये इसने हमें गिवन कर दिया है ओके। प्रॉफिट भी है और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ये भी गिवन है, ठीक है। उसके बाद 31 डिविडेंड फॉर लास्ट 2 ईयर्स है, 2019 का इंटरम कैश 10%, फाइनल बोनस 20%। बोनस को ना हमेशा लिखा करें कि ये बोनस डिविडेंड है, इसका इंपैक्ट शेयर्स में जाना। फिर 20 का इंटरम कैश डिविडेंड 12% है, ये 15% है, ये अगले साल जाएगा, ये इस साल एडजस्ट हो रहा होगा। एएल यूजेस रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इट्स लैंड एंड बिल्डिंग ओनली। द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग एंड लैंड हैव बीन असेस्ड एट 31 दिसंबर 2020 बट नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने उसको भी इनकॉर्पोरेट नहीं किया। रेलिवेंट डिटेल जो उसने हमें गिवन की है वो ये है कि बिल्डिंग की कॉस्ट ये है और उसकी रीवैल्यूड अमाउंट जो है लैंड की ये हो गया, तो इसमें डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है। फिर बिल्डिंग की उसने हमें बुक वैल्यू गिवन की है, हम यहाँ पे देखें तो यहाँ थोड़ा सा हमारा रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट जो है वो भी आ रहा है, जो हम क्या करेंगे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन, ये समझ आया आप लोगों को? सॉल्व करें इसको जल्दी से बताएं। मैं फिर बता रहा हूं, बोनस अगर डिविडेंड के तौर के ऊपर पे होगा वो रिटेन अर्निंग में जाएगा। डिविडेंड हमेशा कहां से पे होते हैं? डिविडेंड हमेशा कहां से पे होते हैं? तो अगर वो एज अ डिविडेंड के तौर के ऊपर शेयर्स भी दिए जा रहे हैं तो कहां से जाएंगे, प्रीमियम में से के बोनस से और रिटेन अर्निंग से? डन हो गया। अब ये भूलेगा, अब ये नहीं भूलना चाहिए आपको, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है, कैसे है और किस तरह से है वो हम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एस्ट्राजेनेका लिमिटेड, ये आ जाएगा जी हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और यहाँ आ जाएगा जी मेरे पास फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। यहाँ पे हम लेके चलेंगे ओपनिंग बैलेंस जो है 1 जनवरी 2020 को, शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, सरप्लस, सारा कुछ लिख लेंगे। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग और रीवैल्यूएशन सरप्लस, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। जिसको हम डाटा गिवन किया है वो हम क्या करेंगे, वो हम उसको यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, ठीक है।
इसने हमें गिवन किया है ओपनिंग बैलेंसेस, लिख लेते हैं 250, 138, 142, ओके। कैपिटल कितना है? 250, 138, 142, 250, 138 और 142। सरप्लस हमारा, इसको जमा कर लेते हैं, ये कितना बनता है? 45 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये मेरे पास क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो भी मौजूद है। अब उसने कहा है कि बोनस, अब 2019 का फाइनल बोनस था 20% जो अभी पे होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फाइनल बोनस आ जाएगा 20%। तो 250 का 20% लिया, क्या आ गया? 50। 50 से शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा और 50 से हमारी रिटेन अर्निंग जो है वो कम हो रही होगी। उसके बाद है अगला, तो और कुछ नहीं है, अगला है इंटरिम डिविडेंड, ये है 12% के ऊपर। इंटरिम डिविडेंड आ जाएगा हमारे पास 12% के ऊपर। अब हमारे पास है एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल, वो लगता है हमेशा एग्जिस्टिंग के ऊपर, वो है 350 का। 300 का हम लेंगे 12%, कितना आएगा? 300 का कितना आएगा? 36। और ये कैश डिविडेंड है, ये हमारा कहाँ से निकल जाएगा? ये हमारा निकल जाएगा रिटेन्ड अर्निंग से। हम इसको रिटेन्ड अर्निंग से क्या करेंगे? लेकर चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो कहता है, उसने हमें प्रॉफिट दिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो कितना है हमारे पास? 45 है, ओके। और 5 मिलियन जो है उसने हमें क्या किया है? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो है वो भी गिवन की हुई है। हमने यहाँ पे क्या करना है? हमने यहाँ पे अब उसका गेन या लॉस निकालना है। अब देखें, हमारे पास है 240 की हमारे पास कॉस्ट थी। पहले बात करते हैं बिल्डिंग की, 60 जो है वो हमारे पास लेस किया, तो ये मेरे पास कितना आ गया? 180 आ गया। अब 180 से कितने पे चला गया है? ये 180 से चला गया है 158 के ऊपर। तो इसकी वैल्यू में कमी आई है, इसकी वैल्यू में रिडक्शन आई है। जब वैल्यू में रिडक्शन आई है तो कितना लॉस हुआ, जरा बताएं। कितना लॉस हुआ है? 22 का, 22 का जो है वो इसे क्या हुआ है? लॉस हुआ है। अब जरा यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, बिल्डिंग के अगेंस्ट क्या सीन है। बिल्डिंग का ओपनिंग सरप्लस मौजूद था 20 का, ये है ओपनिंग सरप्लस। 5 मिलियन हमने रिटेन्ड अर्निंग को ट्रांसफर कर दिया था ईयर एंड के ऊपर, तो अवेलेबल सरप्लस कितना था हमारे पास? 15। हमारे पास अवेलेबल सरप्लस कितना है? 15 का मौजूद है। अब हमें लॉस हो गया है 22 का, अब ये लॉस की एडजस्टमेंट करनी है। तो सबसे पहले ये एडजस्टमेंट होगी सरप्लस में से, खत्म हो गया सरप्लस। अब 22 का लॉस था, 15 तो हमने रीवैल्यूएशन सरप्लस से ही एडजस्ट करवा दिया। रिमेनिंग कितना एडजस्ट नहीं हो पाया? 7 का। ये 7 का कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा होगा। इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कितना था यहाँ पे? 45 का। 7 का ये वाला लॉस एडजस्ट करवा लूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आएगा? 38 का प्रॉफिट जो है वो बन रहा होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा मेरे पास प्रॉफिट कितना आएगा? 38 का आ रहा होगा। ये हम जब जाके IAS 8 वाली प्रैक्टिस करेंगे, मैं उसमें दोबारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वाले सवाल रखे हुए हैं, ताकि हमारी बीच में एडजस्टमेंट जो है सारा कुछ वो हो रहा, तो वो हम सारा कुछ बीच में दोबारा से कर रहे होंगे, ठीक है। ये भी हमारा हो गया। अब यहाँ पे ये तो लॉस हो गया, ये 75 का 65 पे चला गया, डन। अब मेरे पास था सरप्लस इसका 25, तो 25 में से 10 लेस हो गया, रिमेनिंग सरप्लस मेरे पास कितना बचा? 5 का, 10 का, 15 का सरप्लस बचा मेरे पास, तो 15 सरप्लस जो है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखें, अब ये सरप्लस की एडजस्टमेंट क्या हो रही है, जरा यहाँ पे देख लें। मेरे पास टोटल सरप्लस था 45 का,
इसमें से 20 का सरप्लस था बिल्डिंग का, उसमें से पहले हमने 5, फिर बाकी बचा 15, 15 का हमने इसमें से लॉस ट्रांसफर किया, और फिर 10 का हमने क्या किया, 10 का और लॉस जो है वो भी हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। जो बिल्डिंग का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है वो भी हमने क्या कर दिया, ले दिया। तो अब मेरे पास रिमेनिंग सरप्लस कितना बचा, 20। तो 15 का मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस बचा है सरप्लस का। तो टोटल कितनी एडजस्टमेंट हुई है रिवैल्यूएशन सरप्लस में वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे पहले हुआ था ट्रांसफर 5 का, हमने इसमें ऐड किया, 5 का हमने इसमें लेस किया, और बाद में जो उसका रिवैल्यूएशन लॉस हुआ था वो कितना हुआ था हमारा, 25 का। 25 का हमने यहाँ पर लॉस एडजस्ट करवा दिया, ये भी बीच में हो गया, और इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं है। हम इसे क्लोज कर लेते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, ये बनेगा 300 का, ये बनेगा 138 का, ये कितना बन, ये आ जाएगा मेरे पास 15, जरा बताएं 99, और ये इसके मेरे सवाल थे। ठीक है, एक सवाल रह गया काशिफ कंस्ट्रक्शन वाला, वो मैं आपको रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा बिकॉज टाइम ओवर हो गया है, और फिर कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, कल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। मैं बाकी ग्रुप में बात करते हैं, अल्लाह हाफिज़।